कलयुग की कुछ नियुक्त निश्चित स्थान है कि यहाँ पर कलयुग होगा। जैसे घर के जिस हिस्से में गंदा पानी होगा उस हिस्से में मच्छर मक्खी ज्यादा होंगे, हाँ या ना। गांव के जिस हिस्से में गंदगी इकट्ठा होती होगी वहां मच्छर मक्खी ज्यादा होंगे। उसी तरह जहां चार चीजें पांच चीजें हैं गंदगी की वहां कलयुग इकट्ठा होता है। कलयुग का स्थान कहाँ है? कलयुग में भी कलयुग कहाँ रहता है? जुआ में। कलयुग में भी कलयुग कहाँ रहता है? जुआ में। जुआ मतलब जुआ। आजकल आप ऑनलाइन भी खेल लेते हैं जुआ, क्रिकेट में लगा लेते हैं जुआ, किस बॉल पे छक्का पड़ेगा कि चौवा की आउट, वो जुआ ही तो है। आजकल तो लोग खूब सारे प्लेटफॉर्म हैं जुआ खेलने के लिए, और आज के युवा आज का यूथ जुआ खेल भी रहा है। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का खूब प्रचार भी कर रहे हैं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। जो जुआ खेलेगा उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठेगा, और जुआ खेलने वाले से सारा घर परेशान होता है, पूरे घर वाले परेशान होते हैं ना। तो जुआ कलयुग का स्थान है, क्योंकि जहां जुआ होगा वहां कलयुग। कलयुग जिसकी खोपड़ी में बैठेगा वो कलयुग उस व्यक्ति के माध्यम से पूरे घर वालों को परेशान करेगा। इसलिए घर में एक जुआड़ी हो जाए तो उस एक से पूरा घर वाले परेशान हो जाते हैं। कलह, कली मतलब कलह, जहां झगड़ा हो कलह हो वो कलयुग। तो आप लोग जुआ तो नहीं खेलते ना? जुआ खेला कौरवों ने, सत्यानाश हो गया। जुआ द्यूतम पानम, पानम बोले तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा शराब। शराब पीना सही है या गलत है? एक बहन हमसे कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में पूछ रही थी कि महाराज जी ये पानी ही तो है, एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में ही तो रहता है, क्या नुकसान है पीने से। अभी हम भोपाल जेल के अंदर कथा सुनाने गए थे कैदियों को, आप लोगों ने भी वो कथा सुनी होगी। वहां हमने सारे कैदियों से बात की, लगभग 4000 कैदी थे, सारे कैदियों से बात की तो उन सारे कैदियों में ये कहना था 99% कैदियों का। हमने पूछा कि आप जेल क्यों आ गए, जेल क्यों आ गए, क्या गुनाह हुआ? बोले जितना भी गुनाह हुआ है वो सारा गुनाह शराब के नशे में हुआ है। मर्डर किया है तो शराब के नशे में, बलात्कार किया है तो शराब के नशे में, चोरी करी है तो शराब के नशे में, गलत काम किया है तो शराब के, मतलब हर गलत काम की जड़ है। जो शराब पीता है उसके दिमाग में सही विचार आ ही नहीं सकते, गलत ही विचार आएंगे। शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि शराब पीने के बाद जो थॉट आएंगे, जो विचार आएंगे, वो गलत ही आएंगे, गुड विचार आ ही नहीं सकते, अच्छे विचार नहीं आ सकते। उसी तरह जब गलत विचार आएंगे तो आप बनेंगे कैसे? गलत, पतन होगा। इसलिए कलयुग का दूसरा स्थान शराब। शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो सही नहीं सोचता, वो हमेशा गलत सोचता है। वो ये सोचता है कि मेरी माँ मेरी दुश्मन है, वो ये नहीं सोचता कि तेरी माँ मेरी माँ जो है वो मेरा भला सोच रही है। उसे माँ दुश्मन लगने लगती है, उसे पत्नी दुश्मन लगने लगती है, उसे बच्चे दुश्मन लगने लगते हैं। और जो शराब पीने वाले लोग हैं जिनके संग वो पीता है बैठकर दिन भर, वो उसे बहुत प्यारे लगते हैं, वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं, वो उसे शुभ चिंतक दिखते हैं कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं जो मेरे लिए शराब बचा के रखते हैं। और पत्नी बोले कि शराब क्यों पी के आ गए, तो दो थप्पड़ जमाता है गाल में। मतलब शराब बुद्धि भ्रष्ट करती है। अब ये शराबी लोग पता नहीं कितना समझें, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? आप भैया पीते हो? हाँ, कभी 4 साल पहले पीते थे, तो 4 साल पहले जब पीते थे तो
तो ये बात सही है कि शराब पीने के बाद विचार गलत होते हैं? सही है। और नहीं पी रहे हो, अब अच्छे विचार हैं? तब अच्छा था कि अब अच्छा है? अब अच्छा है। आप पीते हो शराब? कभी नहीं पिए? तो मैया आप नहीं? आजकल तो मैयाएं भी पीने लग गई हैं, कुछ कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां बड़े बड़े शहरों में खूब शराब पी रही हैं, पता है आपको? फिर शराब की पार्टी लड़कियां कर रही हैं आजकल तो। आजकल लड़के ही बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं कलयुग है, लड़कों से ज्यादा आजकल लड़कियां शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? हाँ या ना बेटा, आप बताओ सही है? लड़कियां शराब पीती हैं कि नहीं? आप पीती हो? नहीं। आप पीते हो शराब? हाँ। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। एक आदमी हमारे पास आया, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाया है? बोले शराब अंगूर की लाया हूं, ताजी ताजी। हमने कहा क्यों पिलाना चाहता है मुझे? बोले महाराज जी आप पियोगे तो आप को अच्छा लगेगा। हमने कहा तेरी वाली शराब कितने घंटे चढ़ती है? बोला 12 घंटे तो उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा सुन, तेरी वाली 12 घंटे में उतर जाती है, हमारी वाली एक बार पी ले तू तो सारी जिंदगी उतारेगा, उतरेगी ही नहीं। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पी लो, काम बन जाएगा। शराब के नशे में जितने लोग पड़े हैं सिवाय अपनी दुर्गति कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। शराब ना पिए तो आप बहुत अच्छे हैं, पिएंगे तो आप किसी और का कुछ ना बिगाड़ेंगे, आप अपना ही बिगाड़ेंगे। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत पराए पुरुष के चक्कर में ना पड़ना। अच्छा बताओ, व्यक्ति वो कौन से रास्ते हैं जिस रास्ते में व्यक्ति यदि चल पड़ा तो उसका नाश होना निश्चित है? बताओ वो कौन सा रास्ता है जो सर्वनाश की ओर जाता है? वो कौन सा रास्ता है जो सर्वनाश की ओर जाता है, उस रास्ते का नाम बताओ। हाँ, कौन सा मैया रास्ता है वो जो सर्वनाश की ओर जाता है? हाँ, कौन सा रास्ता है? व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष, स्त्रिया जिसे व्यभिचार कहते हैं, व्यभिचार के रास्ते में यदि आप चल पड़े हैं तो आप सर्वनाश करके ही लौटेंगे अपना। इस संसार में सारे रास्ते बुरे हैं, पर सभी बुरे रास्तों में एक रास्ता बहुत बुरा है, जिस रास्ते पर चल पड़ा कोई तो सर्वनाश होगा, लिख कर रखो। कौन सा रास्ता? पराई स्त्री और पराए पुरुष की ओर दृष्टि यदि है तो ये रास्ता सर्वनाश कराएगा। रावण जैसों का सर्वनाश हो गया इस रास्ते पर चल पड़ने से। रावण, वो रावण जिस रावण से देवता थर थर कांपते थे, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। वो रावण जो एक नजर उठाकर देख लेता था तो देवता थर थर कांप जाते थे। इंद्र जैसे लोग, शनि मंगल सब ये ग्रह नक्षत्र जो हैं, रावण से थर थर कांपते थे। वो रावण एक पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया, सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? दूसरा दुर्योधन, भविष्य का राजा था हस्तिनापुर का, हस्तिनापुर का
भविष्य का राजा था, इतनी संपत्ति, इतना वैभव था, लेकिन वो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया। द्रौपदी को निर्वस्त्र देखना चाहता था, द्रौपदी को निर्वस्त्र देखना चाहता था। उतार दो कपड़े दुशासन, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, पराई औरत को निर्वस्त्र देखने में क्या होता है ये देख लो। इतिहास नामो निशान मिट गया, दोनों का वंश उठाकर देखना, कोई पानी देने वाला नहीं बचा दोनों के वंश में, जो जो पराई औरत के चक्कर में पड़े हैं, सत्यानाश हुआ है। और यदि तुम पड़े हो तो फिर तुम अपना भी देखो कि कहां अंत होगा इसका। ना तो रावण के यहां कोई रोने वाला बचा, रहा ना कोकुल रोवनी हारा, एक लख पूत सवा लख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। 1,00,000 बेटे थे रावण के, एक एक लाख बेटे थे रावण के, 1,25,000 नाती थे रावण के, पर रावण मरा तो चिता में आग लगाने वाला एक विभीषण के सिवा कोई नहीं था। परिणाम क्या गलती की रावण ने, पराई औरत। दुर्योधन मरा, 100 भाई थे दुर्योधन, 100 के फिर बेटे अलग, ना जाने कितना बड़ा परिवार था, पर जब मरे तो चिता पर आग लगाने वाला कोई नहीं था। इसलिए अपने बच्चों को स्कूल की शिक्षाएं जो देते हो दो, पर शिक्षा के साथ चरित्र की शिक्षा जरूर दीजिएगा। बच्चों को क्या बनाइए, चरित्रवान। खूब पढ़ लिख करके आपके बच्चे यदि डिग्रियां ले आए और चरित्रवान ना बने तो उन डिग्रियों का करोगे क्या। आज भी शिक्षा से ज्यादा चरित्र की कीमत है। क्या कहते हैं आप, शिक्षित व्यक्ति ज्यादा कीमती है या चरित्रवान व्यक्ति ज्यादा कीमती है। यदि शिक्षित व्यक्ति चरित्रवान भी हो तो सोने में सुहागा है कि नहीं। इसलिए शिक्षित तो होना चाहिए, शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा कैसी, जो शिक्षा आपको चरित्रवान बना दे उसी को शिक्षा कहते हैं, और जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बना दे वो काहे की शिक्षा है। चरित्र पाठ पढ़िए चरित्र का। इसलिए हमारे यहां संत लोग चरित्र लिखते हैं। राम जी का क्या लिखा तुलसीदास जी ने, राम चरित्र मानस। क्या लिखा राम जी का, चरित्र। सिखाओ बच्चों को चरित्र के बारे में। कलयुग का ठिकाना स्त्री, पराई स्त्री सर्वनाश का रास्ता है, पराया पुरुष सर्वनाश का रास्ता है। स्त्री सूना, सूना मीन्स मांस, मांस हिंसा। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मांस के रास्ते पर चल पड़े, मुर्गा अंडा मछली रोज कुछ लोग खाते हैं, ये सब भक्षा भक्ष मत खाइएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हम भारतीय हैं, हम अन्न को भी साफ करके खाते हैं और साफ करने के बाद भोग लगाते हैं ताकि अन्न का सारा दोष नष्ट हो जाए भगवान के सामने जाते हैं, इसलिए भोग लगा कर खाते हैं। वो मत खाइए जो खाने योग्य नहीं है। आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते कितने लोग हैं आप में से, कितने लोग मछली खाते हैं आप में से। मैया अंडा खाती हो मेरी माँ,
अंडा नहीं, मुर्गी नहीं, मछली नहीं।